हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, जो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आई होप आपको सभी को पता है कि जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, अगर उसकी कोई दो साइड बराबर है तो उसकी दो एंगल्स भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में उनकी टू इक्वल साइड्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि अगर किसी राइट किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में उनकी दो एंगल्स बराबर हैं तो उनकी अपोजिट जो दो साइड होती है वो भी बराबर होती है। इसको कैसे प्रूव करते हैं इसको हम देखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, यह हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया है, तो दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, मान लिया क्या है, ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास गिवन क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब एज एज है। तो हमें क्या पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें ये दिखाना है कि एंगल बी के सामने कौन सी साइड है ए सी, एंगल सी के सामने कौन सी साइड है ए बी। तो हमें ये दिखाना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, एक हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं इसका, एंगल ए का। तो एंगल ए जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, कहाँ पे, बी सी पे। ठीक है, इसको मान लिया क्या है, डी है। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, चूँकि हमारा जो ए डी है ये क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर काम कर रहा है। अब सोचेंगे कि एंगल और बाइसेक्टर, और यहाँ पे वर्ड क्या हमने यूज़ किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दैट मीन्स यहाँ पे यह है कि जो भी हमारा ए डी आ रहा है वो क्या करेगा, एंगल ए को टू पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ए भी आपका और ए भी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, हमारे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, बराबर एक कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं, बस आप ये समझिए कि हमने क्या किया, एंगल ए का सिर्फ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एंगल हो, अगर ए आपका क्या हो गया, एंगल है इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो ए एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, वही चीज़ यहाँ पे है। तो हमारे पास क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा, ए बी डी और ए सी डी, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो जो चीज़ हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। एंगल बी बराबर एंगल सी दिया है, एंगल सी गिवन, ये क्या हमारा गिवन है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी ए डी। अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन से देखा, तो बी ए डी और सी ए डी आपस में क्या हो गए, बराबर है, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी, और क्या मिल रहा है, ए डी और ए डी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये साइड क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, तो एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स, एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वन साइड, देन बाई एंगल एंगल साइड रूल, कौन सा रूल लग गया, एंगल एंगल साइड, ये इस रूल से हम क्या कर सकते हैं कि एंगल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या है कि ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया, और किस रूल से, एंगल एंगल साइड रूल से। ठीक,
जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप क्या बोल सकते हो, बाई सी पी सी टी साइड ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ई सी। बस इतना ही करना है आपको, क्या हो गया आपका ट्रायंगल ए बी डी इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है भाई, सी पी सी टी, सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हमको दिखाना था। अब हमने क्या देख लिया कि आइसोसेल ट्रायंगल में अगर आपके अपोजिट एंगल्स कोई दो बराबर हैं तो उससे क्या इम्प्लाई होता है कि उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपका, और हमेशा हम लोग यूज़ करते रहते हैं कि किस तरीके का इसका क्वेश्चन में भी यूज़ है, तो इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल्स आर इक्वल, या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो अपोजिट साइड बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट एंगल्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, या किसी भी ट्रायंगल के अगर दो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी बराबर होती हैं। जस्ट इसका कन्वर्स भी पार्ट क्या है, ट्रू है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा है।